Good afternoon. जय हिंद अनिकेत। चालू हो गया। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। अपना कहाँ तक हो गया था कल? कल हमने देखा था कि प्लांट को कौन कौन से डिसीज अफेक्ट कर रहे हैं और क्या होता है वो देखा। ये हो चुका था हमारा, ये भी हो गया था, ये हो गया था, शुगर केन का हो गया था, मिलेट का हो गया था। ये एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखिए यहाँ से कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी, हमको ये देखना था। ठीक है ना, ये चालू था हमारा प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। तो प्लांट डिसीजेस कॉजेस द क्रॉप लॉस बाय 20-30%। ये देखे थे इवन टोटल सम टाइम। तो डिसीजेस मेनली होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो फंगस और बैक्टीरिया, ये दोनों, जिसके वजह से क्रॉप का यील्डिंग 20-30% या इससे ज्यादा अमाउंट में भी उनका लॉस हो सकता है। ये देखे थे। गुड आफ्टरनून। अच्छा डॉक्टर अनिकेत, अच्छा देखा नहीं। सभी डॉक्टर उसके बाद देखिए रजिस्टर टू हॉस्ट प्लांट इज जेनेटिक एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम डिसीज। ये भी कल देख चुके थे कि कुछ जो प्लांट है उनके अंदर क्या करना है, कुछ प्लांट के अंदर नेचुरली डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है, तो वैसे प्लांट को हम यूज कर सकते हैं फॉर टू मेक द डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट, तो उनको बना सकते हैं हम। बस बच्चे अभी भी टाइम 8:12:10 होने को है, 12:10 टाइम होने को है, अभी भी देखो बच्चे आए हैं, ओनली 33 दिख रहे। कल एग्जाम है क्या? उसके बाद सम प्लांट डिसीजेस, जैसे यहां पर दिख रहा है हमको ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, यहां पर दिख रहा है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। उसके बाद रेड रॉट ऑफ शुगर केन, शुगर केन के अंदर देखो ऐसा रेड रॉटनिंग होता है, ये भी पता है। रेड रॉट किसके वजह से होता है? बच्चे कब क्यों दिख रहे हैं, अभी तक आए नहीं। देखो इधर बच्चे कम क्यों दिख रहे हैं, 29। अरे क्या मतलब, क्या 12th छोड़ दिया क्या आपने? कल टेस्ट है। हाँ कल टेस्ट भी है तो, पर पढ़ना तो चाहिए, मतलब क्लास तो करना चाहिए। मतलब क्या टेस्ट है उस दिन क्लास को ही छोड़ देना ऐसा, बाकी दिन क्या करते हैं प्रिपरेशन। उसके बाद लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उसके बाद ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफोर, जो अपसेट है उनको बोलो। देन टोबैको मोसाइक, टर्निप मोसाइक डिसीज। तुझे समझ बाहर जा, मैं लॉक लगा लेता हूं, आना नहीं इधर। तो सम प्लांट डिसीज, कुछ प्लांट को डिसीज फंगस की वजह से हो रहा है, कुछ को बैक्टीरिया की वजह से, कुछ को वायरस की वजह से, और ये सब किसका काम कर रहा है? दिस ऑल आर नथिंग बट द पैथोजन, दिस ऑल आर पैथोजन। तो फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है
और वायरस भी है। तो फंगस की वजह से कौन से डिसीज होते हैं, कल देखे थे हमने ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, यहाँ पर दिख रहा है देखो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। उसके बाद रेड रॉट ऑफ शुगर केन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको रेड रॉट ऑफ शुगर केन, शुगर केन के अंदर से रेड कलर आता है तो उसको बोलते हैं रेड रॉट। उसके बाद लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन के वजह से होता है, कल देखे थे हम 1845 का जो आयरिश फैमाइन था उसने इस लेट ब्लाइट पोटैटो को बनाया था, मतलब उसको पोटैटो को इन्फेक्शन करके ये डिसीज। फाइटोप्थोरा पल्मिवरस इन्फेस्टिस नाम का एक ये था फंगा है वो। उसके बाद ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर ये दिख रहा है, ये ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर फूलगोभी जो इसको अफेक्ट कर रहा है। बैक्टीरियल डिसीज ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स ये दिख रहा है हमको यहाँ पर। देन वायरस की वजह से टोबैको मोसाइक TMV और टर्निप मोसाइक, इस तरीके के डिसीजेस ये पैथोजन कर सकते हैं। तो कुछ प्लांट में जो नेचुरली डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी है उन प्लांट को हम यूज कर सकते हैं टू मेक द गुड प्लांट। अरे इसके अंदर कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे मैंने। अब हमको यहां से देखने का मेथड ऑफ मेकिंग डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट, डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट हम कैसे बनाना है, क्या टैक्टिक्स हमको यूज करने की जिससे हमको डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करने का, पहले तो चूज करने का कौन से प्लांट के अंदर डिसीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर है, या तो ये एक प्लांट है उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने का है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब हमको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन यूज करना है, उसके अंदर ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करना है कि जिनके अंदर डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी हो, और उन जीन को देखने के बाद रिकॉम्बिनेंट DNA से क्या कर सकते हैं हम, उसके अंदर वो जीन ऐड कर सकते हैं, या जो जीन है जिनके वजह से वो प्लांट ससेप्टिबल है इन्फेक्शन को, सेंसिटिव है इन्फेक्शन को, तो वो पार्ट निकाल के हम उसको ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। तो इम्प्रूव प्लांट विच कंटेन द न्यू DNA फ्रैगमेंट, एग्जाम्पल न्यू जीन्स जैसे, या तो स्मॉल और प्लांट विदाउट न्यू DNA फ्रैगमेंट बट कंटेन अ स्मॉल मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स ओन DNA। मतलब देखो यहां पर क्या कि एक पहला प्लांट है जिसके अंदर हमने क्या किया, सपोज ये फॉरेन DNA इसके अंदर मिक्स किया, ये फॉरेन DNA यहां पर इसके पार्ट में, ठीक है ये पार्ट में, तो अब ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। या तो कोई प्लांट पहले से है ये प्लांट, पर इसमें से क्या किया हमने कि जो डिसीज करने वाला जीन है उसको निकाल लिया, मीन्स डिसीज के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल उसी जीन को क्या कर दिया हमने रिमूव, उसको निकाल दिया, ठीक है ये ऐसा कर सकते हैं। या तो थर्ड थिंग, प्लांट विदाउट न्यू DNA फ्रैगमेंट एंड विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स ओन DNA, तो ऐसे इस टैक्टिक से हम क्या कर सकते हैं प्लांट को डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। अब देखिए प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी क्या कर रहे हैं, टारगेट क्या हमारा कि डिसीज रेजिस्टेंट कैसा कर सके। तो इसके अंदर दो मेनली मेथड इंक्लूड होता है, एक आता है कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मतलब ओल्ड पहले की कन्वेंशनल मेथड, एक है कन्वेंशनल मेथड और दूसरी क्या है म्यूटेशनल ब्रीडिंग जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो कन्वेंशनल मेथड मतलब एक थोड़ी ओल्ड मेथड है जिसके अंदर हम प्लांट देखते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट, उसमें से सॉर्ट आउट करते कि कौन से प्लांट में नेचुरली
डिसीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर है उस प्लांट को हम आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट मतलब सेपरेट करते हैं, और उस प्लांट के सीड कलेक्ट करके उसके ऊपर फोकस करते हैं कि उससे डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी आए, यस। और जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग होती है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम म्यूटेशन इंड्यूस कर रहे हैं, और म्यूटेशन कैसे इंड्यूस करते थे ये मैंने आपको बोल चुका हूं। दो टाइप के एजेंट आएंगे, केमिकल और फिजिकल, जिसके वजह से हम प्लांट के अंदर म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं और फिर एक अच्छी वैरायटी बनाते हैं। तो वही देखना हमको यहां पर आगे, ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड और दूसरी म्यूटेशनल ब्रीडिंग। देखिए कन्वेंशनल मेथड, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, पहले तो स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म। स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म का मतलब क्या हो गया, हमको देखने का है कि जर्म प्लाज्म मतलब क्या हो गया, जीन्स, या इसको बोले हम सेक्स सेल देख रहे हैं, मीन्स जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, इसको देखेंगे। रेजिस्टेंस सोर्सेस मतलब जो प्लांट रेजिस्टेंट है उसके जीन हम निकालेंगे, और जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अभी देखिए अपना रेगुलर क्लास चालू है, इसके अंदर 37 स्टूडेंट है, तो अगर मैं इवनिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस लिया तो अभी रेगुलर क्लास में 37 है, तो उस क्लास में कितने बच्चे आएंगे, क्वेश्चन रेडी है सब कुछ है, पर ये आपके ऐसे बिहेवियर की वजह से क्लास लेने में प्रॉब्लम आता है, इतना स्ट्रेंथ कम रहेगा। और बाद में जब ऑफलाइन चालू होगा बोलोगे वो समझा नहीं, ये किया नहीं, ये नहीं बोलते आपकी मैं अब्सेंट था उस क्लास को, क्लास को अब्सेंट रहना बहुत ज्यादा हो जा रहा है सर, ऐसा अगर रहेगा तो मैं फिर वो जूम, वो जो गूगल मीट है उससे क्लास लूंगा मैं, अभी क्लास को क्लोज करके, अगर ऐसी चीज है फिर आगे से आगे फेस टू फेस देख के पूरा ये नाम लिख के रखना पड़ेगा मेरे को, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, कितने अब्सेंट थे। क्लास करने को क्या होता है सबको, डेढ़ सौ तीन सौ स्टूडेंट में से ऑनली 38 अभी स्टूडेंट, कल गूगल मीट की लिंक डालता हूं फिर देखेंगे कितने हैं, कुछ नहीं, मजाक समझते हैं 11 12th को भी। देखो उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। सिलेक्टेड पेरेंट्स मतलब पेरेंट सिलेक्ट करना है, ऐसे पेरेंट सिलेक्ट करना है कि जिसके अंदर डिसीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर हो, और वैसे प्लांट को चूज करके हमको क्या करने का, उसका क्रॉसिंग करना है। उसके बाद सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, जो प्लांट अच्छे उनको सिलेक्ट करने का, उनका इवैल्यूएशन करने का। इवैल्यूएशन मतलब क्या, कि वो सच में अच्छा है या नहीं, किसके लिए, टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड, एंड देन टेस्टिंग रिलीज ऑफ न्यू वराइटीज। कैसे वराइटीज, कि जिनके अंदर डिसीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर रहना चाहिए, डिसीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम क्या करें, क्रॉसिंग। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक प्लांट दिख रहा है हमको कि जिसके अंदर वायरस रेजिस्टेंट है, ठीक है, ये यहाँ पर वायरस रेजिस्टेंट है, इस प्लांट की यील्डिंग ज़्यादा है, हाई यील्डिंग क्रॉप वराइटीज है, तो फिर उसके बाद क्या किया, इससे वायरस रेजिस्टेंट हाई यील्डिंग क्रॉप तैयार किया गया, क्योंकि उसके अंदर न्यू कैरेक्टर ऐड करके। तो ये इसके अंदर एक के अंदर, ये देखो इसके अंदर बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है, हाई यील्डिंग, दूसरे के अंदर क्या है, वायरस रेजिस्टेंट कैपेसिटी है। तो इन दोनों को जब क्रॉसिंग किया तो हमको ऐसा प्लांट मिला जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है। दोनों प्रॉपर्टी मतलब क्या, एक तो वायरस को रेजिस्ट करता है ये, और नंबर टू यील्ड भी इसकी ज्यादा मिलती है, हाई यील्ड, ये दोनों चीजें। तो मतलब इस बेसिस को तैयार करना है। ये चार्ट आपको टेक्स्ट बुक में दिए वाला है, ये चार्ट आपको लर्न हो जाना चाहिए, इसको थोड़ा टाइम लगता है, देखिए मतलब चार्ट इजीली लर्न नहीं होगा, क्योंकि क्रॉप दिए वाले, उसके वैरायटी दिए वाले, और कौन से टाइप के डिसीज को ये रजिस्ट करता है, क्योंकि अगर टेक्स्ट बुक में कोई चार्ट दिया है तो आपको वो याद रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो चार्ट नहीं रहेगा, मतलब जो
जूम पर लेना पड़े। अरे लोग लेक्चर देखते हैं पर उनको समझ में आना ना बच्चों को कि अरे भाई तुम 12th का तुम्हारा क्लास चालू है, ऐसा नहीं कि 8th 9th में पढ़ रहे हैं आप, आगे जाके कुछ अच्छा करियर करना है तो ये चीजें बेस है, ये पढ़ोगे तो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, आगे की लाइफ थोड़ी इजी जाती है। एकदम इग्नोर करना है, इधर उधर ये देख वो देख वो देख, टाइम पास करना, ये जो टाइम गया वाला वापस कभी नहीं आता। ये क्या चालू है गेम चेंजर, क्या बोल रहा है जो, ऐसे कमेंट मत करो, बातें मत करो, सिर्फ जो पूछा गया वो बोलो ठीक है। अरे वो गूगल टीम पर लेता हूँ लेक्चर पर, वो टीम का सॉफ्टवेयर काम नहीं करा मेरे कंप्यूटर में, प्रॉब्लम वो आ रहा है, इसलिए गूगल मीट पर लेंगे कल ठीक। हाँ डेयर डेविल, हाँ कल वैसा करेंगे, कल गूगल मीट की लिंक डालता हूँ, देखता हूँ कितने आते हैं क्या नहीं, फिर उन सबके नाम लिख के लेता हूँ, या तो इधर क्लास होने के बाद सबके नाम लिख के रखता हूँ नोटबुक में, और वो नेम मेरे पास रखूंगा, फिर जब डाउट पूछने आएंगे क्या करने आएंगे तब देखता हूँ कितने किसने कितने क्लास लिए। अरे उसके बाद देखिए कल में वो 11th के बच्चे अच्छे, कम से कम पूरे आते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सबकी प्रेजेंट ही लगती है। हाँ पर छोटे बच्चे क्या, आप सोचो भाई छोटे बच्चे क्या कि जिनका अटेंडेंस लेना पड़ेगा, जिनका ये है। हाँ बराबर बोले शिपा मानसी जी। हाँ देखो तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्रॉप से मतलब इस मेथड से कौन से डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज बनाएगा, कौन कौन से क्रॉप के, जो नाइट का एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ उसमें जो स्टूडेंट आते हैं वो खुद के मतलब खुद कुछ करना है उस इंटेंशन से आता है, यहाँ पे इनको रेगुलर क्लास करने को जाना पड़ता है, क्या है करते है? देखो व्हीट की वैरायटी है हिमगिरी, और इसको रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट है, लीफ एंड स्ट्राइप रेजिस्टेंट, मतलब लीफ को और उसके जो लीफ के साइड के पार्ट है उनको रस्ट नहीं होगा, हिल ब्लंट नहीं होगा, हिल बंट नहीं होगा, हिल बंट मतलब ऐसे शुरू में ये भी अच्छे थे अब चेंज हो गए, ऐसा रहता लाइफ, तुम अभी चेंज हो गए आगे तो बहुत बाकी है, तब पूरे चेंज हो गए तो मुश्किल होता है, चेंज आना चाहिए पर अच्छा चेंज आना चाहिए, ये गलत चेंज है, क्लास मिस करना मतलब गलत चेंज है, नॉट अ गुड चेंज। उसके बाद देखिए नंबर 2 ब्रासिका, पूसा स्वर्णिम व्हाइट रेजिस्टेंट, ये बहुत जरूरी है, देखिए ब्रासिका राई की वैरायटी है, क्योंकि अभी इंडिया में देखिए आप घर पे बैठ तो कभी गए क्या किराना शॉप पे मार्केटिंग के अंदर, मतलब घर से कुछ आपके घर में सामान मंगवाए, सब आपको तेल लाना है कुछ लाना है, तो अभी आप जो एडिबल ऑयल है घर में बैठे मस्त मजे से है, देखो जो एडिबल ऑयल होता है, आपके पेरेंट्स इतना फीस भरते हैं आपके पीछे वर्क करते हैं, आप क्लास नहीं करता ऐसे बच्चे, एडिबल ऑयल की प्राइस क्या आज कोई बोल सकता है मुझे, 2020 में क्या प्राइस था और 2021 में क्या प्राइस है, आज जो एडिबल है ऑयल है, खाने का तेल तो सबको लगता है, भले आप वेज खाइए या नॉन वेज खाइए खाना सबको लगता ही है, ये नॉन वेज कुछ भी खाइए आपको एडिबल ऑयल तो लगना है। लॉकडाउन में सब लेजी हो गए, अरे लेजी मत हो, आलस से गरीबी की जड़ है, लेजी नहीं होना, जब आप क्लास मिस कर रहे हो मजे कर रहे हो कुछ कर रहे हो, जो काम का है वो छोड़ के दूसरी चीजें कर रहे हो, उसी समय कुछ बच्चे जो अच्छा काम कर रहे, तो आप बोलिए प्रोबेबिलिटी किसकी आगे बढ़ने की, समझ में आ रहा है। अभी देखो जो 2020 मतलब लास्ट ईयर और अभी 2021 अभी का साल, इन दोनों साल के अंदर ऑयल का एवरेज प्राइस का अगर डिफरेंस देखा जाए, एवरेज प्राइस का डिफरेंस ये लगभग 54% का है, 54% 54% मतलब जिस चीज की वैल्यू 100 रुपीज थी आज उसकी वैल्यू 154 तक आ गई है, 154 से लेकर ये 54 to 56% तक है, मतलब 156
मतलब 50% से ज्यादा आज ऑयल की वैल्यू हो गई। क्यों ऑयल की वैल्यू बढ़ गई, ये केस स्टडी बोल रहा हूं मैं आपको, सिलेबस में दिया नहीं है पर ये केस स्टडी बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इस केस स्टडी से हम पढ़ क्या रहे वो समझ में आता है। बराबर 160 पर केजी शेंगदाना तेल, सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल, करड़ी तेल, आज उसके रेट देखिए आप क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर हमको नियर अबाउट 30 मिलियन टन के अराउंड हमको ऑयल लग रहा है, ठीक है, और हमारा प्रोडक्शन नियर अबाउट 8 मिलियन टन, समझ में आ रहा है। हमको जब 30 मिलियन टन ऑयल चाहिए खाने के लिए सबको, तो ऑयल कितना तैयार हो रहा है, 8 मिलियन टन, बाकी का ऑयल हमको क्या करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बाहर के कंट्री से लाना पड़ रहा है, ठीक है, ऑयल बाहर के कंट्री से, एडिबल ऑयल। तो अब अगर बाहर के कंट्री में ऑयल का प्राइस थोड़ा भी बढ़ा तो हमारे यहां पे और ज्यादा बढ़ेगा, और ये चीज जरूरी है। अब ये इतना बड़ा प्रॉब्लम देखो इंडिया के आगे है, क्योंकि ऑयल इज नेसेसरी कंडीशन, बिना ऑयल के कोई सब्जी नहीं बनेगी। तो हमारे पास क्या वे है, उसके अंदर वन ऑफ द वे ये है कि हम जो भी क्रॉप लगा रहे हैं ब्रासिका का, जिससे हमको राई का तेल मिलता है, तो ऐसे वैरायटी हमको तैयार करना है कि जिनसे डिसीज ना हो। ये बड़े प्रॉब्लम है, देखिए कंट्री के आगे ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी चीजें। अब ये प्राइस बढ़ने के रीजन क्या है, लोगों को लगता है कि भाई बीच में लॉकडाउन लग गया और अफवाह फैली कि नींबू का तेल खाओ, ये खाओ, नींबू का तेल ना, नींबू का ऑयल रहता है, अलग अलग प्लांट के ऑयल। अरे घी तो और भी ज्यादा यूज जाता, ये होता है ना, घी सस्ता रहता क्या, तो ये अब इसके लिए हमको डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाना जरूरी है, क्योंकि ये डे बाय डे ये जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए हमको क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्लांट ब्रीडिंग का पर्पस ये है कि ऐसे क्रॉप बढ़ाना है कि जिससे हमको फायदा हो। तो अभी देखिए नियर अबाउट मोर देन 20 मिलियन टन जब हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, अभी जैसे हमको देखो पाम ऑयल जो है, पाम ऑयल हमको इंडोनेशिया से मिलता है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में अभी पाम ऑयल की वैल्यू बढ़ गई है, तो मुश्किल जा रहा है। हाँ इसलिए देखो हमको क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना है, और पॉपुलेशन भी एक वन ऑफ द रीजन है। अभी देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में करंटली एक लॉ पास हुआ है कि जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी बढ़ते जाए उतना फूड की वैल्यू नहीं बढ़ रही, अभी जैसा देखा हमने, तो फूड की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो भूखा कोई भी नहीं रहना चाहिए, कोई भी नहीं, आप नहीं, कोई भी नहीं, तो इसके लिए हमको प्रोडक्शन बढ़ाना। अच्छा आप घी प्रोड्यूस कर रहे इसलिए ये देखो। उसके बाद कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर के जो वैरायटी है वो है पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल K1, ये वैरायटी है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। तो इसको इन्फेक्शन होता है ब्लैक रॉट फंगस की वजह से, और कर्ल ब्लाइट बैक ब्लैक रॉट ये भी होता है फंगस से। तो इसके अगेंस्ट इस कॉलीफ्लावर को रेजिस्टेंट, और कॉलीफ्लावर एक ऐसा क्रॉप है कि जो क्या चालू रही, इसके अंदर क्लास का कोई स्टूडेंट है कि नहीं, सलमान खान ये वो, क्लास का है, क्लास के बाहर का है, फोटो भी सलमान खान का लगा, ये सलमान खान आने वाला एग्जाम है। ऐसा कोई चीज नहीं दिखती कि जिससे कुछ अच्छा लगे, तुम ऐसा मत करते जाओ, कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। वो सलमान खान से क्या मोटिवेशन मिलता है, क्या मोटिवेशन मिल रहा है, कोई मोटिवेशनल चीज मिली है सीखने को, बोलो सच में बोलो, मोटिवेशनल कुछ मिला नहीं, मिला ना, जो मोटिवेशनल चीज मिलती है जिससे कुछ हमको अच्छा सीखने को मिलता है वही चीजें ध्यान रखिए। ये देखिए ये जो कॉलीफ्लावर का भी क्रॉप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलीफ्लावर में ऐसी चीज है कि जो एंटी कैंसर की काम करता है, एंटी कैंसर, तो ये क्रॉप भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काउपी,
इसकी वैरायटी है पूसा कोमल, जिसके वजह से होगा बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट इस टाइप का डिसीज। उसके बाद चिल्ली, चिल्ली मतलब मिर्ची, मिर्ची भी जरूरी है। हाँ अरे अच्छा नाम रखो कुछ अच्छा, मतलब जिससे खुशी हो कुछ अच्छा, ऐसा काम, क्योंकि तुम्हारा नुकसान होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू। उसके बाद पूसा सदाबहार, ये वैरायटी किसकी है, चिल्ली की। उसके बाद इसके अंदर क्या आएगा, चिल्ली मोजाइक वायरस, उसके बाद टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। लॉकडाउन का इफेक्ट है, लोग अच्छा नाम छोड़ के, अपना नाम छोड़ के दूसरे का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसों का नाम ले रहे जिनसे कुछ सीखने को नहीं मिलता उनको, गुंडागर्दी फालतूपना ही सीखने को मिलता है। तो ये वैरायटी आपको ये याद बता के देखिए, इसके नाम नहीं रखते आप, ऐसा नाम रख के नहीं आते, पूसा कोमल, पूसा सदाबहार, पूसा शुभ्रा, ऐसे नाम होने चाहिए। पॉज हुआ है क्या, आवाज आ रहा है अभी, देखिए थोड़ा सा मैं वैसे बैठ गया था, आपको पॉज लगा, नहीं पॉज नहीं। तो यह डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी क्रॉप के। उसके बाद देखो कन्वेंशनल मेथड अभी बोले वाली है, थोड़ी देर पहले इजी होता है। देखो कन्वेंशनल मतलब इसका मीनिंग मैं ऑलरेडी बोल चुका आपको कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग का मतलब ही क्या होता है, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, ट्रेडिशनल पारंपरिक, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग। अब इस ट्रेडिशनल ब्रीडिंग के अंदर करना क्या, देखिए अरे ये है ना लेग्यूमिनस प्लांट, देखने आप, आपको दिखाता हूं एक मिनट नजीर, एक बार आपको दिखाई देता हूं, क्योंकि बोलने से अच्छा दिखा देता हूं आपको, तो याद रहेगा, ठीक है, दिखा देता हूं आपको, काउपी दिखा देता हूं एक मिनट। काउपी दिखा था आपको, तो उससे याद रह जाएगा आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सा क्रॉप है वो। दिखाइए आपको काउपी विग्ना मुलिकुलाटा, देखिए ये एक टाइप का लेगिमी है, क्योंकि इसके अंदर नाम देखे हमने पी नाम आ रहा है, पी मतलब लेगिमिनस, ये देखते ना अपना, इसको ऐसा भी खा सकते हैं, मतलब कच्चा भी खाने को अच्छा लगता है। देखिए स्टिक पी, हाँ सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, हाँ यही है, ये देखिए ये काउपी यहां पर दिखा, ये देखो ये इसके अंदर से प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का मिलता है, जो ऑनली वेजिटेरियन खाते ना उनको यहां से अच्छे प्रॉपर्टीज मिलते थे, मतलब प्रोटीन अच्छा मिलता है, ये अलग अलग टाइप के दाल है, ये देखिए खाया क्या कभी आपने, ये शेमफाली, शेमफाली बोलते हैं इसका, अच्छा लगता है देखो ये खाने में, खाया मैंने बहुत बार, अच्छा लगता है। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, इज कंस्ट्रेंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीज रेजिस्टेंट जीन, इंड्यूसिंग म्यूटेशन, सडन जेनेटिक चेंजेस इन द प्लांट एंड स्क्रीनिंग देम फॉर रेजिस्टेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई डिजायरेबल जीन। अगर म्यूटेशन किया था हमको उससे, फिर डिजायरेबल जीन कौन से वो देखे जाते हैं, चवड़ी बोलते हैं, चवड़ी अलग रहता है, शामी सवड़ी अलग रहता है, सवड़ी सवड़ी चा शेंगा, गवार चा शेंगा,
चवड़ी की शेंग थोड़ी सी ब्रॉड रहती है, थोड़ा ज्यादा ठीक होता है। धपाटे के साथ खाए। अच्छा, अदर ब्रीडिंग मेथड आर सिलेक्शन अमंग सोमाक्लोनल वेरिएशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सोमाक्लोनल वेरिएशन मतलब बॉडी के अंदर चेंजेस करना, मतलब सिंपली यहां पर देख चुके हम कि इसके अंदर क्या होता है। ये थिंग इंपॉर्टेंट है, देखो म्यूटेशनल ब्रीडिंग। अब यहां पर देखिए, यहां पर दिख रहा है ये एंसेस्ट्रल क्रॉप, मतलब पहले का क्रॉप। आई लाइक शेंगा। अच्छा, अच्छी बात है, शेंगा खाना चाहिए। ये कभी खेत में बैठे तो वो कच्चे कच्चे हमको अच्छे लगते। ऑल आर द अकाउंट्स ऑफ हर्ष पाटिल। अच्छा, ये गेम चेंजर को सबके गेम पता है, कौन किसका नाम रख के आता है। अरे नाम रखे तो प्रॉब्लम नहीं, पर कुछ अच्छा नाम रखना, पढ़ाई करना तो मेरे को कुछ नहीं लगता। पर जहां पे भी आपका नुकसान हो रहा है, आप थोड़ा भी गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो मुझे बोलना जरूरी है वहां पे। अगर मैंने बोला चुपचाप बैठा आप जाने दो, कुछ भी करने दो, तो वैसा आपका नुकसान होता है। सोमा का मीनिंग बॉडी होता है। हाँ, तो यहां पर एक एंसेस्ट्रल क्रॉप है जो कि पहले का क्रॉप है, ठीक है। ये इसका डीएनए, इसके डीएनए में हमने क्या किया, म्यूटेशन। म्यूटेशन करने के बाद क्या हो गया, चेंज। अब ये चेंज देखिए, इस चेंज के वजह से ये जो एंसेस्ट्रल क्रॉप था ये किस में कन्वर्ट हो गया, मॉडर्न क्रॉप में। सिंपली अगर हम बोलने को जाए तो इस तरीके से क्या हो रहा है इस म्यूटेशनल ब्रीडिंग में। कि हमारे पास ये क्रॉप है, ये क्रॉप है, ठीक है। इस क्रॉप को क्या बोला उन्होंने, एंसेस्ट्रल क्रॉप, पहले का क्रॉप है। और इसमें देखा गया कि ये इसका डीएनए, समझो ये नॉर्मल इसका डीएनए, ठीक है। इसके डीएनए में हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू इंड्यूस अ म्यूटेशन। हम इसके अंदर म्यूटेशन कर रहे हैं, ये प्लांट में कर रहे हैं। हाँ, हम एनिमल में नहीं कर रहे, एनिमल में म्यूटेशन हार्मफुल होता है। अगर हमारे अंदर समझो गामा रेस कुछ भी पास हुआ, तो मैंने क्या बोला, 99% इफेक्ट हमारे अंदर हार्मफुल होता है, ऐसा इफेक्ट जिसके परिणाम बहुत घातक होता है, बहुत ही घातक। पर एक 1% चांसेस है कि अच्छा भी हो सकता है, पर प्लांट पे हम ये इंटेंशन से करें कुछ अच्छा हो। हाँ, जैकलिन को ब्लॉक कर दो, आप सही बोल रहे हो, पर ऐसा है बच्चों को सुधारने का, उनको कुछ, मुझे कुछ ये थोड़ी करने का उनको कि मतलब ब्लॉक कर देना बोले तो वो मैं गुस्से में उसको ब्लॉक कर दूंगा। पहले एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पहले चांस देते हैं सुधरने का, नहीं सुधरा तब वैसा करने आएगा। लोग बुरे नहीं होते, उनके अंदर आदतें बुरी होती है, अपने को आदतों को सुधारना। इंसान कोई भी बुरा नहीं, उसको प्यार से समझाना है सो दैट अच्छा हो। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर म्यूटेशन इंड्यूस कर रहे हैं। म्यूटेशन इंड्यूस करने की वजह से क्या होगा, इसके डीएनए में यहां पर चेंज हो गया, समझो यहां पे इसके डीएनए में चेंज हुआ। और सपोज यहां के जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज रेजिस्टेंट। इसके अंदर पहले जो जीन थे वो डिसीज रेजिस्टेंट नहीं थे, समझो। तो हमने क्या किया, यहां पर म्यूटेशन किया। तो सपोज इसके अंदर कुछ अच्छा चेंज आ गया, तो ये जो प्लांट पहले एंसेस्ट्रल क्रॉप था जिसके अंदर अच्छे कैरेक्टर नहीं थे, म्यूटेशन करने के बाद मे बी कुछ चांसेस ऐसे है कि जहां पे ये प्लांट क्या हो सकता है, ये प्लांट इंप्रूव हो सकता है, इंप्रूव्ड प्लांट, इंप्रूव्ड प्लांट, तो ये प्लांट अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा करने का, इसको बोलते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। मैंने आपको म्यूटेशनल ब्रीडिंग का एग्जांपल पहले बोल चुका था, अगर आपको याद है तो बोल सकता हूं। परभनी क्रांति बोला था ना आपको, परभनी क्रांति भिंडी की वैरायटी, साइंटिफिक नेम भी बोला था, अबेल मोस्कस स्कुलेंटस, स्कुलेंटस भिंडी की वैरायटी, परभनी क्रांति बोला था ना आपको। देखो अब यहां पे ये मॉडर्न क्रॉप, फिर इसका म्यूटेशन होने के बाद क्या हुआ, यहां पर देखिए
म्यूटेशन कैन क्रिएट अ न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर. डिजायरेबल मतलब अच्छी चीजें उसके अंदर जो क्रिएट करना है, जो कि पेरेंट में नहीं थी. तो ऐसे उसके बाद म्यूटेशनल ब्रीडिंग इज ब्रीडिंग बाय म्यूटेशन. म्यूटेशन कैसा होता था हमको पता है, बाय केमिकल या बाय रेडिएशन. रेडिएशन में कौन सा रेडिएशन, गामा रेडिएशन. टू अ प्लांट टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल कैरेक्टर, उसने अच्छे कैरेक्टर प्रोड्यूस करना जरूरी है. एंड सच अ प्लांट्स आर सिलेक्टेड, सिलेक्ट करने के बाद उनके ज्यादा कॉपी बनाएंगे, मतलब मल्टीपल कॉपी डायरेक्टली, एंड यूज्ड एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग. तो इस तरीके से तो ये याद रखने का, ऐसे वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम. लोगों को खाने नहीं मिल रहा, अपन देख रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं. पर आप लोगों के पास, जिनके पास खेती है, देखिए आप ऐसा कुछ प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि आपके पास सोर्स है वैसा. किन किन के पास खेत है आप में से, अभी अपने में ये जो इतने स्टूडेंट दिख रहे 55, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके आजू बाजू में या जिनका खुद का खेत है. अभी सांगोल का है कि नहीं स्टूडेंट यहाँ पे, सिंगापुर के कितने जन है. घर पे खेत है, देखो वैरायटीज के. अब देखो, म्यूटेशन कैन क्रिएट अ न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर, जो कि पेरेंट में नहीं था ये बोले. और म्यूटेशन ये बोल चुके किससे इंट्रोड्यूस होता है. तो एग्जांपल देखो इसके, इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोसाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वेर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन. यहाँ पर देखिए येल्लो मोसाइक वायरस से इन्फेक्शन हुए वाला दिख रहा है यहाँ पे. ये यहाँ पे ये जो फिगर दिख रही है हमको इस फिगर में, और इधर दिख रहा है पाउडरी मिल्ड्यू. दिखा था अलग कलर यूज करूंगा. ये देखिए ये है पाउडरी मिल्ड्यू, नाम दिख रहा है हमको वहां पर. के वजह से इन्फेक्शन हुआ, और यहां पर येलो मोसाइक वायरस इसके वजह से इन्फेक्शन हुआ. किसको इन्फेक्शन होता है, ये जो मूंग बीन दिख रहा है ना आपको, ये मूंग बीन है. तो इन मूंग बीन के प्लांट को इनके वजह से इन्फेक्शन होता है. हाँ वेरी गुड अथर. तो आपके वहां पे मूंग लगाए क्या अथर? हाँ, और ये खाने के लिए ये भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है. मूंग ग्रीन कलर के आंखों के जैसे दिखते ये. हाँ तो ये उसके बाद म्यूटेशन ब्रीडिंग. अभी कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट है ना, देखो नहीं तो मैंने पूछा, कभी किसी का फोन आता डाउट पूछने को, फिर बोलता मैं आप क्लास में थे कि नहीं, फिर बोलते मैं नहीं था या था बोलते, फिर था तो मैं पूछता आपका नाम कहाँ पे है, नाम दिखा नहीं तो बोलते मैं दूसरे नाम से आया था. अब कितने का नाम बदलते गए. अब तुम सब ट्वेल्थ में, तुमको नीट की एग्जाम पर एग्जाम देने का, तुमको वो CBI की एग्जाम नहीं देने का, अभी जो अभी से नाम चेंज करते हैं, जासूसी करते, कुछ तो भी करते. देखो म्यूटेशन ब्रीडिंग में देख लिया हम कि रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम द वाइल्ड स्पेसीज हैव इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हाई यील्डिंग कल्टीवेटेड वैरायटी. एग्जांपल भिंडी, अबेल मोस्कस इस्कुलेंटस रेजिस्टेंट टू येल्लो मोसाइक वायरस वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाइल्ड वैरायटी इट रिजल्टेड इनटू अ न्यू वैरायटी ऑफ अबेल मोस्कस इस्कुलेंटस कॉल्ड एस परभनी क्रांति. तो यहां पर दिख रहा है देखो परभनी क्रांति, ये इधर है, और ये पहले की वैरायटी और ये अभी की वैरायटी. तो यहाँ पे भिंडी का जो क्रॉप है वो अच्छे से बढ़ा. और ऐसा कहाँ पर हुआ था, प्रभु सोया चूंकि द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. गुड, गेम चेंजर इज फ्रॉम सांगोला. सांगोला में अभी कौन कौन से क्रॉप लगा वाले, देखो अभी अभी इस सीजन में अभी कौन सा मंथ चालू है, जुलाई. अभी कौन से क्रॉप लगा वाले खेत में, बोलो बोल, खेत में देखा कि नहीं कौन कौन से क्रॉप है. रेजिस्टेंस जीन कैन बी ट्रांसफर्ड बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टारगेट एंड सोर्स प्लांट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेचुरली जाएंगे जो अच्छे कैरेक्टर है वो, पर जरूरी नहीं कि हर बार अच्छे जाएंगे, कभी कभी रॉन्ग भी जा सकता है. अब देखिए प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल
कैरेक्टरिस्टिक गिव इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन हॉस्ट क्रॉप। तो अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से टाइप क्या वाले, ये भी चीज़ इस टॉपिक में देखो थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें यही है कि आपको कौन से प्लांट में कौन सा अच्छा कैरेक्टर आया, आने के पीछे कौन सी प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबल थी, क्या हुआ है, ये सब आपको यहाँ पर याद रखना पड़ता है। इस टॉपिक में यही चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट जाती है कि हर एक यहाँ पर डेटा थोड़ा ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ता है। बाकी टॉपिक में क्या है समझ में आ जाता है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है पर याद ज़्यादा रखना पड़ता है। बाजरी मेज तूर अभी ये लगा वाले क्या सानी का? अच्छा बाजरी मेज और तूर, हाँ अच्छा गेम चेंजर गणेश है पर कुछ भी रहो पर सब बच्चे अपने ही है ना। हाँ ठीक है। उसके बाद देखो हेयर लीव्स, हेयर लीव्स रेजिस्टेंट टू जैसिड इन कॉटन। कॉटन के ऊपर ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये जैसिड यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये देखिए दिख रहा है ये कॉटन को अपन पांडर सोना बोलता, पांडर सोना मतलब महाराष्ट्र नंबर वन पे कॉटन प्रोडक्शन में, और कॉटन बहुत काम की चीज है देखिए क्योंकि इससे कपड़े बनाने आते हैं, मेडिकल फील्ड में बहुत काम को आता है कॉटन। पर कॉटन से कान मत साफ कीजिए, कॉटन सबसे खराब चीज होती है कान साफ करने के लिए, तो जनरली कान में ज्यादा काढ़ी मत डालिए। तो फिर बोलोगे साफ किससे करते, साफ हॉस्पिटल में जाकर साफ कर सकते हैं H2O2 से या जो सूटेबल लिक्विड होता है, कान में ज़्यादा काढ़ी नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए हेयर लीव्स रेजिस्टेंट टू जैसिड इन कॉटन एंड सिरे लीफ इन बिटर लीव्स, बिटर लीव्स उसके अंदर। फिर उसके बाद सॉलिड स्टेम इन व्हीट, सॉलिड स्टेम इन व्हीट लीड टू अ नॉन प्रिफरेंस बाय द स्टेम सॉफ्लाई। उसके बाद स्मूथ लीव्ड, अब ये क्या बोले वाला समझ में आ रहा है क्या आपको कि कौन से प्लांट के अंदर, अगर आपके खेत में क्रॉप लगा वाले आप उस खेत के अंदर जो क्रॉप लगा वाले उनको देखकर आप कैसा बोल सकते कि उस प्लांट को डिसीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर है, तो उसका यहां पर बोले वाला एक्सप्लेनेशन कि अगर आपके खेत में जो वीट लगा वाला है उस वीट के लीव जो वो अगर हेयरी लीव्स है तो उसको रेजिस्टेंस रहेगा अगेंस्ट जैसिड इन कॉटन एंड सिरे लीफ बिटर इन वीट। तो वीट के अंदर और कॉटन के अंदर अगर इस टाइप के लीफ है तो उसको उस पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। अगर स्टेम सॉलिड है वीट के अंदर तो उसको स्टेम सायफ्लाई अफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्टेम हार्ड है। स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस कॉटन वराइटीज ये बॉल बम को अट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि बॉल बम अगर आ गया कॉटन के क्रॉप पे तो वो उसको इन्फेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा मेज पोमीग्रेनेट और उड़द, हाँ उड़द की दाल लगा वाली। अच्छा 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 पोमीग्रेनेट का सीजन अभी है ना, क्योंकि क्या होता है कुछ सीजन के अंदर जब सीजन नहीं रहा तो भी पोमीग्रेनेट के प्लांट को फ्लावर आ सकता है। तो वैसे में फार्मर खुद क्या करता है कि वो जो फ्लावर है उस फ्लावर को तोड़ देता है क्योंकि उससे आने वाला पोमीग्रेनेट अच्छा नहीं होता। तो अभी का सीजन अच्छा है पोमीग्रेनेट के लिए, बट ऑड सीजन में भी कभी कभी इसको फ्लावर आता है। उसके बाद देखिए अगर प्लांट के अंदर एस्पार्टिक एसिड ज्यादा है, नाइट्रोजन कम है और शुगर कंटेंट भी कम है तो ऐसे प्लांट को रेजिस्टेंट रहता अगेंस्ट मेज स्टेम बोरर। स्टेम बोरर मतलब उनके स्टेम को होल नहीं करना था। जैसिड मतलब ये दिख रहा है, एक मिनट दिखाता आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये छोटा दिख रहा है देखो आपको, बड़ा करके दिखाता हूँ एक मिनट, यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ आपको, देख लोगे तैयार रहेगा। जैसिड इन कॉटन, ओखरा मतलब भिंडी, दिख रहा अभी आपको, हाँ उम्मी मानसी दिख रहा है ये जैसिड, ये देखिए यहाँ पर देखो ठीक है, पर कैमरा आ जाता होगा नीचे, ये देखिए दिख रहा है ये जैसिड, ये देखिए व्हाइट कलर का रहता है,
ये इसके ऊपर भी आते हैं, अपना जो पेरू से झाड़ है ना, जामा से झाड़, कभी कभी उसके ऊपर ये व्हाइट कलर के रहते हैं और पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रेड होता है। बॉल बम भी दिखाता सॉन्ग। ये देखिए, ये है जैसिड, जैसिड स्टॉप फीडिंग। ये देखिए इस तरीके के, यहाँ पर भी दिखो, देखा टेक्निकल नेम। ये इस तरीके से उस लीफ को डैमेज कर देते हैं। ये देखो लीफ को डैमेज किया इस, देखिए आप यहाँ पर जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर जैसिड की वजह से इन्फेक्शन हो गया। अभी लीफ खराब हो गई तो क्रॉप अच्छे से नहीं आएगा। ये उसके बाद क्या बोले, हम स्टेम बोरर दिखाता हूँ। स्टेम बोरर इन मेज, स्टेम बोरर इन सभी तरफ आते हैं मेज के अंदर। देखिए ये दिख रहा है, ये देखो इस स्टेम बोरर में ये कैटरपिलर दिखे क्या आपको, किस तरीके के इन्फेक्शन कर रहे। देखिए इसके लीफ को देखो, होल गिरा दिए, लीफ को होल गिरा दी, तो उस प्लांट के अंदर क्या होगा, जाइलम प्रोटोफ्लोम जो वो भी अफेक्ट होंगे, फूड बराबर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ये देखिए ठीक है, यहाँ पे अभी और एक था फोटो। ये देखिए स्टेम को कट करने के बाद दिखा क्या कैटरपिलर, तो ये क्रॉप को अफेक्ट कर रहा है, तो ये हार्मफुल है। यस, यहाँ पर देखिए ये स्टेम को दिखे आपने, क्योंकि उनका माउथ शार्प रहता है, तो इससे क्या करता है वो प्लांट को हार्म करता है। तो आपके पास सपोज 10 एकड़ खेती है, 100 एकड़ खेती है, उसके अंदर अगर सपोज ऐसे इंसेक्ट है तो वो क्या करेंगे, क्रॉप को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए क्या करने का हमको, कि प्रिवेंशन जरूरी है अपने को, रेजिस्टेंस। अभी देखो जैसे रिलीफ, ट्रिटिका, ये वैराइटीज। उसके बाद सॉलिड स्टेम इन व्हीट, ये देखेंगे। और सॉलिड स्टेम, अच्छा तो इमेज दिखा हमको सॉलिड स्टेम के, ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़े सॉलिड स्टेम हुए तो क्या होता है, इनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, होता है इन्फेक्शन पर कम। वर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ वो तो हम दिख रहे हैं, व्हीट सॉफ्ट, ये है सॉफ्ट, ये देखिए ये इन्फेक्शन करता क्रॉप रात, वहां पे इंसेक्ट रहते हैं। उसके बाद कौन सी वैरायटी बोली अपने को, अरे ये इसको एक बोला तो दूसरा दिखा, कट करके देखता, क्वेश्चन ही दिखा रहा है। तो देखो ऐसे वराइटीज, उसके बाद यहाँ पर कुछ वैरायटीज दी वाले देखे, ये बोल के स्टॉप कर दिया। सम क्रॉप वैरायटीज ब्रीड द इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट, तो एग्जांपल है ब्रासिका, फ्लैट बीन, ओकरा मतलब भिंडी। तो इनके वैरायटी याद रखने का, पूसा गौरव जो अफिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट रहेंगे, अफिड और वापस आपको उसके ऊपर दिखाना होता है। बॉल बम दिखाओ कि अच्छा ठीक है दिखाता हूँ, पर यहाँ पर ये नाम याद रखिए, अफिड जैसिड
और किधर गया वो गूगल, यहाँ पे है बॉलवर्म दिखाता हूँ। बॉलवर्म किसको अफेक्ट करता है? कॉटन को, कॉटन को बॉलवर्म, लेपिडोप्टेरन ये रहता है। ये देखो दिखे क्या ये बॉलवर्म, कॉटन आने के पहले कॉटन का वो बॉल ही रहता है। देखिए इसके ऊपर अफेक्ट करने वाले दिख रहे हैं क्या आपको? ये इनको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, मतलब आपको देखने को इसी जाएंगे। ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा ऐसा बड़ा कर दिया देखो मैंने आपको, तो ऐसे अच्छे से दिखेगा आपको, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए ये कॉटन का बॉल है जिसको ये इन्फेक्ट कर रहा है। और नीचे देखिए, ये देखिए ये कैटरपिलर है जो उसको अफेक्ट कर रहा है। ये देखिए अगर ये बॉल खराब हो गया कॉटन का तो क्रॉप नहीं आएगा। पर इसके ऊपर भी इलाज कौन सा? अपना बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हमने कॉटन के ऐसे वैरायटी बनाए जिनको बीटी कॉटन बोलते हैं। बीटी कॉटन आप अगर मार्केट में गए सीड की दुकान पर, बीटी कॉटन बोलिए, वो आपको बीटी कॉटन के सीड देते हैं। बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी। तो कॉटन के वैसे वैरायटीज तैयार की जो कि बॉलवर्म, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, ये तीन टाइप के वर्म होते हैं। ये नाम सुनिए आपको, आगे आने वाला है कौन कौन से। लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन और ये बॉलवर्म, ये जो है ये ऐसे, ये तीनों पैथोजन इसको अफेक्ट करता है। तो इसके अगेंस्ट अपन बीटी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से इस क्रॉप को डिसीज रेजिस्टेंट हम बना सकते हैं। तो ये फायदा इसका। थोड़ा छोटा कर लेता हूं, 100% 100% देखिए दिख गया हमको। उसके बाद क्या है, अफिड देखिए। अफिड क्या होता है? टाइम तो हो चुका आपका ब्लास्ट, अफिड देख के जाएंगे। अफिड इन कॉटन, ये देखिए इसको भी याद रखिए। ये अफिड देखो कैसा दिख रहा है, दिखने को सुंदर तो दिख रहा है ये, पर इन्फेक्शन करता है ये क्रॉप को। हाँ बॉलवर्म दिखा देखो मैंने आपको, ये है अफिड, ठीक है। तो ये ऐसे प्लान, ये जो है ये पैथोजन है जो अफेक्ट कर रहा है अफिड बहुत सारा, ठीक है। तो इतना याद रखिए, बाकी का हम कर लेंगे। ओके टाइम हो चुका है 12:58, अभी बच्चे ठीक दिख रहे, पहले 39 दिख रहा था, बाकी किधर गए थे। ओके एक बार देखेंगे गूगल मीट पर लेके, वो प्रॉब्लमेटिक है। इवनिंग मिला टाइम तो लेंगे क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी पे प्रिपेयर कर करके, पर सोच रहा हूँ कि वन बाय वन 11th का कंप्लीट करूँ। अगर आप कर सकते हो देखो प्रैक्टिस, ऐसा इमेजिन कीजिए आप कि अभी 12 सितंबर को आपका नीट है और उसके लिए सिलेबस सिर्फ 11th का है, तो 11th 100% रिवाइज कीजिए आप। हो सकता है क्या? देखिए एवरीडे हम क्वेश्चन लेके 12 सितंबर तक 11th कंप्लीट हो जाए आपका, 11th और जितना 12th के हुए थे टॉपिक। फिर नीट का जो पेपर आएगा उसके अंदर ऑनेस्टली देखने का कि हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं। बायो के जो 100 क्वेश्चन होंगे उस 100 में से आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं, तो बस ठीक है। अगर कोई 11th का टॉपिक रिवाइज करना तो वैसे भी कर सकते हम पूरा। क्या हुआ? आ रहा हूँ। चलो तेरा बाहर क्लास है, तू क्यों आया अंदर? क्लास नहीं है रे। चल तेरा क्लास चालू उधर। अरे नहीं है, चालू। चल जा। मस्ती कर पा। आप मुझे नहीं पकड़ पा रहे। ये
सर एंड ट्री। रुक 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 रुक, मेरे को निकालने का। इधर पैर रखेगा तू, इसको चार्जिंग को लगा। एस्केप दबा वहां से, एस्केप बटन। ये देखिए टकले तेरे जैसे दिख रहे क्या? ये टकले, ये दबाया ना मैंने। एस्केप, एस्केप दबा, एस्केप, एस्केप ऊपर का, ऊपर का एस्केप रहेगी। अरे इसी, रुको 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 रुको, क्यों तुझे क्या करना, रुकना दे मुझे। नहीं इसके, ये इसके अंदर देखना है वो। ये बंद कर गया? हाँ ये बंद करो। और वो रहने तो क्या रहने दो, क्या बोलते रे उसको, क्या बोलते हैं? ओ ये गूगल, गूगल के अंदर क्या देखना? मैं है ना व्हाट्सएप चालू करके उसके ऊपर सीबीएसई फर्स्ट स्टैंडर्ड चालू करके मेरे सर ने एक वीडियो भेजा इंग्लिश ग्रामर वाले सर ने। मैंने वो पूरा वीडियो नहीं देखा तो इसलिए अभी देखना है मुझे। थोड़ी देर ये रुक तो रही, तू क्यों हाथ लगाता है? अब वो काम नहीं करा है, मैं थोड़ी देर रुक। उसको ये, उसको घड़ी करके रख अच्छे से। अरे घड़ी करके रख, वो कपड़े धोए वाले ऐसे वैसे फेंक पर, जान तेरा क्लास है। पापा भी टाइम टेबल चेंज हो गया रे। टाइम टेबल चेंज हो गया? हाँ। कौन सा टाइम टेबल अभी बोल? अरे अभी टाइम टेबल चेंज हो गया मेरी का, आपकी क्लास का नहीं, मेरी क्लास का। मैं पापा पापा मुझे लैपटॉप बदलने दे। रुक तो, पर पहले देखो ये क्लोज तो कर दे, ये हैंग हो गया ना। रुक रुक, अभी इसको पहले इसको खत्म कर दे। ये बीस का दौर, विंडोज का मैं रिचार्ज कर, विंडोज का। अरे रुक ना, पीछे लगती है, रुक ना। स्ट्रीमिंग खत्म करना। वो हिंदी का ये वो लेके पीछे लगे, तू पीछे लगे।